आईपीएल 2024 की नीलामी से पहले मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने टीम के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर गुजरात टाइटंस से ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस में वापसी करने वाले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान घोषित कर दिया गया, जिसके बाद फैंस ने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना भी की। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या चोटिल हैं और उनके आईपीएल 2024 खेलने पर भी संदिग्धता बनी हुई है। इस स्थिति में फैंस के मन में यह सवाल बना हुआ है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा। आईपीएल 2024 से पहले मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हार्दिक पांड्या यदि फिट नहीं हो पाते हैं तो इस स्थिति में आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस की कप्तानी कौन करेगा, इसकी चर्चा फैंस के मन में बहुत तेजी से चल रही है। इस पर कुछ फैंस का ऐसा मानना है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को दोबारा कप्तानी देगी। इस स्थिति में सूर्य कुमार यादव टीम के नए कप्तान हो सकते हैं। पिछले साल रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में एक मैच में मुंबई इंडियंस की अगुवाई भी की थी। आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल धाकड़ भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने हाल ही में 8 T20 मुकाबलों में भारतीय टीम की कप्तानी की है, जिसमें से एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। उनकी कप्तानी में भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 T20 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीत लिया और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर 3 T20 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। फैंस का ऐसा मानना है कि यदि सूर्य कुमार यादव फिट रहते हैं तो वह अफगानिस्तान सीरीज में भी टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फैंस का मानना है कि सूर्य कुमार यादव हार्दिक की अनुपस्थिति में मुंबई इंडियंस टीम की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। मगर आपका क्या कहना है, क्या रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कप्तान बना देना चाहिए या सूर्य कुमार यादव? आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।